इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुझे पता मैं क्यों लाया? पहले क्या होता था पुराने जमाने में, जब कोई पागल ना बहुत खतरनाक हो जाता था ना, तो उसकी ये दो आंखों के बीच में ये यहां एक वार किया जाता था। बताओ देख कैसे किया था? नितेश, फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? खुदकुशी की क्राइम रिपोर्टिंग के लिए गया था। तो तुम ये क्राइम रिपोर्टिंग छोड़ क्यों नहीं देते? तुम सही कह रही हो, ये सब बकवास मैं छोड़ दूंगा। अच्छा सुनो नितेश। जी जी सुन रहा हूँ मैं। आज ना मेरी बहन निधि आ रही है, तो प्लीज मम्मी जी को बोलना थोड़ा शांत रहे। मैं नहीं चाहती निधि कुछ उल्टा सीधा सुने। तुम परेशान मत हो, मैं माँ को समझा दूंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। प्रणाम माँ। आज का लकी नंबर है 5। बोलो नितेश। 50,000 लगा दूं ना 5 नंबर पे? अरे लेकिन तुम्हारा तो पहले से 2,00,000 रुपए पकाया है। मनोज भाई कैसी बात कर दी आपने, मैं पैसे लेके भाग थोड़ी रहा हूँ कहीं। मैं दे दूंगा, देखिए आप पिछले जो 2,00,000 हैं और अभी के 50,000 मिलके एक साथ दे दूंगा मैं आपको। हाँ लेकिन पैसे मुझे पूरे आज ही चाहिए। तो आज ही मिलेगा आपको, आप लगाओ तो। हाँ ठीक है ठीक है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, नई बहू आएगी, ठाट होंगे, कहाँ के कुछ नहीं। क्या बड़ उड़ा रही अम्मा? तुमने कहा था ना नई बहू आएगी, हमारे ठाट होंगे, कहाँ है हमारे ठाट? अरे हम तो हमारे ही घर में नौकरानी बनकर बैठे हैं। बोलो धीरे बोलो, आपका भी ना मुंह नहीं बंद होता। अरे? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 1 महीना हुआ शादी, ठीक है, 1 महीने में आपको दिक्कत होने लगी। और क्या चीज की कमी है आपको? नौकर है, चाकर है, सब काम वो कर सकते हैं। बहू जो है 50,000 से 60,000 रुपए कमाती है सरकारी नौकरी से, उसके बाद भी क्या कमी पड़ गई इतनी? हाँ अरे बेटे माँ हम तो बस सही जुगी। ये हम तो बस छोड़ो। और ये नई बहू क्या है? हाँ इससे पहले इस घर में कोई बहू आई नहीं है, दिमाग में डालो ये बात, समझी? और सुधा की बहन निधि आ रही है, मेहरबानी करके उसके सामने कुछ मत बोल। अरे वो नीतिश। हाँ मारा बैग। हाँ नितेश तुम्हारा टिफिन। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? नमस्ते निधि, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। पर ये क्या जीजू, मैं अभी आई और आप जा रहे हो? अब क्या करूँ, काम ही ऐसा है, मैं रात को आके आपसे मिलता हूँ, है ना? तब तक आप दोनों बहनें मेरी बुराई करती कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे? बहुत अच्छे, आपको बहुत मिस करते हैं। उन्हें भी साथ ले आती। अरे मैं ऐसे ही 2 दिन के लिए आपसे मिलने आई हूँ, लोग बाद में आएंगे आपसे मिलने के लिए। ठीक है अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ, हाँ, चलो, चलो, चलो। यस मैम। नितेश कहाँ हो? मैं फील्ड पर हूँ मैम। नितेश आज कुछ भी करो, मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, मतलब चाहिए। तुम्हारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ बातें खबरें ही आती है। आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं एक धांसू खबर लेके आता। मैं इंतजार कर रही हूँ।
और अगर आज तुम्हारी तरफ से कोई सनसनीखेज न्यूज नहीं आई ना, तो किसी और चैनल में नौकरी ढूंढ लेना, समझे? कहां से लाऊं ब्रेकिंग न्यूज? इसको तो ऐसे लगता बगल फड़फड़ाऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज निकली। क्या हुआ सर? अरे लीना, जब देखो ब्रेकिंग न्यूज मांगती रहती है। अरे तो आप परेशान मत होइए। अरे मैं परेशान उस वजह से नहीं हूँ यार। ओह, एक बज गया, आपके मटके का नंबर खुलने वाला है, आप इसलिए परेशान है क्या? नहीं यार, अभी एक मिनट बाकी है। वैसे सर कितना लगाया है? 50,000। 50,000? सर ये मटका का खेल मेरी समझ में नहीं आता। इसमें समझना क्या? 1 से 9 के बीच में किसी भी नंबर पे पैसा लगा, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जो कि तेरी नहीं है, तो अगर नंबर खुल गया ना, तो तेरे को 100 का 250 मिलेगा। 100 का 250? हाँ मनोज भाई, आज का नंबर निकला है 7 और तुमने खेला था 5 पर, तो हार गए। अब अपना हिसाब कुल मिला के बनता है 2.5 लाख रुपए। तो बताओ कहाँ भेजूं आदमी को लेने? मैं मनोज भाई, मैं आके शाम को देता हूँ आपको। याद रख लेना, अगर ज्यादा होशियारी की ना तो हम लोग उठवा भी लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, शाम को मिल जाएंगे आपको, मैं देता हूँ। ठीक है मनोज भाई। हाँ यार, 2 मिनट के लिए चुप हो जा। अरे अरे सर, क्या कर रहे हैं सर? अरे सर, हार जीत होती रहती है सर, ये टायर पिटने से क्या होगा? मार गया क्या? अरे बाप रे सर, जल्दी माइक और कैमरा लेके। क्यों सर? अरे जाना जल्दी देखा। पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। आमिर! अरे आ रहा हूं सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? ब्रेकिंग न्यूज बना रहा हूँ, चल जल्दी चल। सर लेकिन ये अभी जिंदा है, मेरे ख्याल से हमें पुलिस और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। दादा होशियारी मत कर, जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना ही करेगा। चल अब मेरी बात सुन अच्छे से, पति पत्नी के ना हाथ से पैन करना और कैमरा मेरी तरफ लेके आना, ठीक है? समझा ना? अरे चल ना जल्दी करना अभी। ओके सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पति और पत्नी एक्सीडेंट के बाद भी एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे, लेकिन अफसोस यहाँ पर मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। हम मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं और पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को हमने कॉल कर दिया। मैं नितेश रघुवंशी, कैमरामैन आमिर के साथ, टीबीपी न्यूज। आप दोनों की शादी को 1 महीना नहीं हुआ और आप दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए, मेरा मतलब था कि हनीमून पर तो चले जाते। हाँ सोचा है, पर थोड़े टाइम बाद। एक तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से आधे दिन की छुट्टी लिए तेरे लिए। अच्छा किया, इसे भी आपको मैं जाने नहीं देती इतने जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी सास कैसी? अच्छी है, बस थोड़ा ज्यादा बोलती है। तू ये सब छोड़, तेरे लोन का क्या हुआ? दीदी लगता है मेरा इंटीरियर डिजाइनर का ऑफिस खोलने का सपना सपना ही रह जाएगा। मेरा मतलब है कि 2 जगहों पर लोन की अर्जी दी थी, हर जगह खारिज हो गई। देख टेंशन मत ले, कहीं ना कहीं से लोन तुझे मिल ही जाएगा। अच्छा अब मैं दफ्तर के लिए निकलती हूँ। ये लो। क्या हुआ? जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से इस अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ है। कितनी बार नितेश को कहा है कि इसे ठीक करा दो, बट वो एक सुनते ही नहीं है। अरे कोई नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे छोड़, तेरे नहीं होगा। दी मैं इंटीरियर डिजाइनर का भूल गए हो क्या? मिस्त्री से लेके प्लम्बर सब काम आता है मुझे। लाओ दिखाओ क्या हो गया। अच्छा दी, पेचकस किधर है? स्टोर रूम है। और स्टोर रूम का है ऊपर? आंटी स्टोर रूम ऊपर है ना? हाँ। ओके थैंक यू। अच्छा तो मिल गया मेरे लिए वक्त। अरे थोड़ा काम में व्यस्त। हाँ मैं यहाँ सीतापुर से लखनऊ आ गई हूँ और आपको मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा अब ये बताओ मिल कब रही हो? निधि मैं दफ्तर जा रही हूँ। हाँ दीदी ठीक है बाय।
अरे बताओ तो सही, मिल कब रही हूँ? आज शाम को। ओके मिलते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं आंटी, वो मैं पेचकश लेने आई थी, मिल गया। अरे तुम इससे न्यूज कहते हो, आ रही हूँ मैं नितेश, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हाँ पूरा तो देख लीजिए आप। अरे क्या देखूं? हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, लेकिन ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जिसमें किसी की जान चली जाए। हाँ अरे इन दोनों को तुम लोग बचा सकते थे। मैम आप आमिर से पूछ लो, हमने पूरी कोशिश की, मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस वालों को फोन किया, मैम हमने पूरी जान लगा दी उनको बचाने के लिए। मैम ये न्यूज ऑन एयर नहीं होगी, समझे? निधि इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग और तुम अभी खुश नहीं लग रही। नहीं प्रतीक, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, ये मुझे दीदी के स्टोर रूम से मिला आज। किसकी फोटो है ये? मुझे नहीं पता, पर ये जो चूड़ियां इस दुल्हन ने पहनी थी ना, इस फोटोग्राफ के साथ मिली है मुझे, और ये फटा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा कि दूल्हा कौन है। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि दूल्हा तुम्हारे जीजा जी हो सकते हैं? शायद। दीदी को बताया तुमने इस बारे में? नहीं, वो दफ्तर चली गई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं बताऊं भी या नहीं। मेरा मतलब कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वो जबरदस्ती परेशान हो जाएंगी ना। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दीदी को बताने से पहले इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेना चाहिए। नितेश जो कि पेशे से एक पत्रकार था, जो सनसनीखेज खबर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और तो और उसे मटके नामक जुए की लत भी थी। नितेश और सुधा की शादी लगभग एक महीने पहले हो चुकी थी। इन दोनों ने अरेंज मैरिज की थी और शादी के बाद सुधा की छोटी बहन निधि घर पे आई और निधि को घर के स्टोर रूम से चूड़ियां और एक आधी फटी हुई दुल्हन की तस्वीर मिली। आखिर किसकी थी ये तस्वीर? क्या इस तस्वीर में कोई गहरा राज छुपा हुआ था? क्या इस राज में नितेश की माँ भी शामिल थी? और क्या निधि समय रहते इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्यों मनोज भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार बिजी था, इस वजह से फोन नहीं उठा पाया। पैसे किधर है यार? क्या बात कर रहे हो, दे दूंगा ना पैसे, तो दे दूंगा। तूने बोला था ना शाम तक पैसा पहुंचा देगा। अरे यार एक मिनट रुको रुको, अगर मैंने कल तक पैसे नहीं दिए आपको जो करना कर ले। जो करना कर लेना। कल मतलब कल अपना घर देखा है, घर में घुस के वसूली करेंगे। चले अच्छा आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? दीदी 2 महीने हो गए। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपके पहले कौन काम करता था? पता नहीं दीदी। ठीक है। अरे आप आ गए। हाँ कैसा रहा आपका दिन? बहुत बहुत अच्छा रहा। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है ठीक। साली बहुत ताक झाक कर रही है। किस चीज के बारे में? ये कहां से मिला आपको? स्टोर रूम से। हमने कहा था ना तुमसे सब सबूत हटा दो। नहीं तुमने लापरवाही से सारे सबूत वही छोड़ दिए। अच्छा हुआ हमने उठा लिया, निधि के हाथ में लग जाता। आप फिक्र मत करो, मैं वहां से अभी जाके सब कुछ साफ कर देता हूँ। जरूरत नहीं है, हमने सब हटा दिया।
कब तक छिपा कर रखोगे मेरा राज? धीरे धीरे सबको सब कुछ पता चल जाएगा। परसेंट मैच्ड। इसका मतलब तुम्हारे जीजा जी पहले भी शादी कर चुके हैं। हाँ, और उन्होंने हमसे बात छुपाई है। तो तुम्हारी दीदी कोई बात पता है? मुझे नहीं लगता। अगर उनको पता होती, वो मुझे जरूर बताती। तो क्या सोचा है? क्या करना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रतीक। मैं दीदी को ये कैसे बता सकती हूँ? अच्छा सुनो, दीदी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अपने इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफिस खोलना है। हाँ? और कोई भी बैंक तुम्हें लोन नहीं दे रहा है। हाँ? तो अपने जीजा जी से पैसे ले लो। ना ब्याज देना पड़ेगा और ना ही पैसे लौटाने की जरूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो प्रतीक? अरे बुद्धू, अपने जीजा जी को ब्लैकमेल करो। मैं ब्लैकमेल करूं? तुम पागल हो गए हो? मैं नहीं, हम दोनों ब्लैकमेल करेंगे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कम से कम 10 लाख। अपने जीजा जी से 20 लाख मांगो। नहीं प्रतीक, मुझसे नहीं हो सकता। ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, इससे बेहतर मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। जरा सोचो इस बारे में। मनोज भाई, ऐसे आपको लोगों को ना घर पे नहीं भेजना चाहिए था। नीतीश भाई, धंधा है, करना पड़ता है सब कुछ। हाँ, बीवी के गहने बेचकर मैंने जोड़े पैसे। तो टेंशन किस बात की लेते हो नितेश? कमाई करोगे जब, फिर से बनवा देना। सही। तो अब हमारा हिसाब पूरा हो गया है ना? हाँ, तुम्हारा आज तक का सारा हिसाब क्लियर है। तो आप इस पे सब लेन देन लिखते हो? हाँ भाई, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हाँ। बहुत सारे लोगों का पैसा रहता है, लेकिन एक बार जब रजिस्टर भर जाता है, उसको जला देते हैं। तो नितेश भाई तुम बैठो, मैं ये पैसे रख के आता हूँ। जी जी। बोलो नीतीश भाई, आज किस नंबर पे लगाना है दाव? नहीं नहीं, आज नहीं, किसी और दिन लगाता हूँ, है ना? ठीक है ठीक ठीक है, मैं चलता हूँ मनोज भाई। चलिए भाई। क्या हुआ सर, हो गया आपका हिसाब चुकता? हाँ हो गया हमारा हिसाब चुकता, मगर उस बुक्की को भी तो हमारा हिसाब चुकाना होगा ना। क्या मतलब? आमिर साहब, आप माइक निकालिए और देखिए मेरा कमाल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आ रहे हैं ना? ओके। ये लीजिए सर। देखा मेरा कमाल सर? कभी कभार मुझे आपसे डर लगता है सर। लखनऊ शहर में धड़ल्ले से चल रहे मटका कारोबार पर पड़ा आज पुलिस का छापा। चलिए हम आपको ले चलते हैं अंदर इस गैर कानूनी कारोबार के अड्डे पर। जीजू, आप सिगरेट भी पीते हैं? अरे वो कभी कभी पी लेता हूँ मैं। दीदी को पता है? दीदी को नहीं पता है, और मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, दीदी को बताओगी तुम। अच्छा, वैसे ऐसी कितनी बात है जो दीदी को नहीं पता? ऐसी और कोई भी बात नहीं है। अच्छा, तो ये देखना जरा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसे कैसे छुपाएंगे? और ये देखिए, अरे हाँ, ये तो आप ही है। आपने अपनी पहली शादी के बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं बताया है, धोखा दिया है दीदी को और हम सबको। ये सच तो सबसे पहले जाके मैं दीदी को बताऊंगी और उसके बाद पुलिस में जाके केस करूंगी आपके खिलाफ। नहीं, 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 देखो मेरी बात सुनो,
मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। मुझे सच बताने से मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। आपको मेरे लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या? पैसे देने होंगे। मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए। पैसे? कितने? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लाख। 20 लाख? दीदी पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ठीक है, मेरे अंदर भी सब्र नहीं है कि मैं इतना बड़ा राज छुपा सकूं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ पैसों का। बढ़िया, तो फिर मैं दीदी से कह दूं कि लोन की अर्जी पास हो गई और जल्दी जल्द पैसे भी मिल जाएंगे। बढ़िया, गुड नाइट। आज बहुत प्यार आ रहा तुम मुझको। मैं 20 लाख कब दे रहे हो जीजू? दे दूंगा, मैंने बोला ना तुम्हें कल दे दूंगा, पक्का दे दूंगा तुम्हें। तुम क्या हुआ? तुम तो जागते हुए भी सपने देखने लगे हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी शायद थकावट हो गई थी। तुम आओ ना, तुम सो जाओ इधर। यहाँ क्यों आया सर? नमस्ते। अरे 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 क्या कर रहे हो यार, बैठो बैठो, इतनी इज्जत पसंद नहीं मुझे। बैठो निधि, चलो मैं बैठ जाता हूँ, बैठो। तो ये तुम्हारा साथीदार है, बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? पता है बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, पत्रकार हूं, इतना अनुभव है कि देखते ही पता चल जाता है कि कौन क्या क्या और कितना कुछ कर सकता है। हाँ सही पहचाना आपने, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आप हमें पैसे दे दो, हम आपसे भी प्यार करने लग जाएंगे। अच्छा एक सवाल है मेरा, निधि ने जो 20 लाख रुपए मुझसे मांगे हैं, अगर वो 20 लाख रुपए मैंने तुम दोनों को दे दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाके तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ आप इतना भरोसा कर सकते हो कि ये सब करने के बाद आप चैन से जी पाओगे और आपकी पहली बीवी के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करे। तो कब दे रहे आप पैसे? बस कल तक की मोहलत चाहिए। क्या पैसे बहुत ज्यादा है ना, तो इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो कल तक देता हूँ मैं तुम दोनों को, ठीक है? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा सुनो, पुलिस को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे पास भी उस तस्वीर की कॉपी है जो निधि के पास है, तो मैं भी पुलिस के पास जा सकता हूँ। पागल कुत्ते ने नहीं काटा मुझे कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। पैकिंग हो गई तुम्हारी? हाँ दीदी, सारा सामान पैक कर दिया। तो फिर परेशान क्यों लग रही हो? मुझे ना बार बार ऑफिस के लिए टूर पे जाना पड़ता है, नहीं अच्छा लगता मुझे, थक जाती हूँ मैं। अरे तो 2 दिन की बात है, उधर जाओ खाओ पियो घूमो फिरो काम करो वापस आ जाओ, है ना? ये लो आपका सामान। सॉरी नहीं,
मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जा रही हूँ। अरे दी कोई बात नहीं, आप मेरी टेंशन मत लो, बस अपना ध्यान रखना। मैं आंटी और जीजू के साथ रह लूंगी, और वैसे भी जीजू मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, है ना जीजू? हाँ बिल्कुल, चलो लेट हो रहा है, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ। बाय मम्मी जी, अपना ध्यान रखना। बाय बाय दी। जीजू आप यहाँ क्या हुआ? मेरी नींद खराब थी। माँ आपको याद है आपने बचपन में मुझे एक बात समझाई थी, अगर आप किसी से एक बार दबोगे तो पूरी जिंदगी आपको दबाता रहे और आपको लूटता रहे, है ना? हाँ मेरी बच्ची एकदम सही। जीजू मुझे ऐसे जाने दो, प्रतीक को सब सच बताया जीजू। लेकिन तुम्हें सब सच नहीं पता ना, तुमने जो फोटो दिखाया था तुम्हें पता है वो मेरी पहली पत्नी, उसका नाम रेखा था। लगभग 6 महीने पहले हमारी शादी हुई। रेखा तुम्हारे बाबूजी से हमने जो मांगा था उन्होंने वो दिया नहीं, तो उनको पूछो कब हमारी वो मांगे पूरी करेंगे। हमारे बाबूजी जो कुछ भी दे सकते थे उन्होंने सब दे दिया। कहाँ दिया सब, हमने उनसे गाड़ी मांगी थी। चलो बड़ी गाड़ी नहीं छोटी गाड़ी दे दो, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा पति ऑफिस की गाड़ी में दफ्तर जाए। हमारे बाबूजी गाड़ी नहीं दे सकते। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे बाबूजी जो है गाड़ी नहीं दे सकते? हमें पता है वो नहीं दे सकते, इसीलिए कह रहे हैं। उन्होंने हमारी शादी भी कर्ज लेकर करवाई है। मतलब आज शादी की पहली रात है और तुम हमसे जबान लड़ा रही हो। देख हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सब करके। चुपचाप अपने पिताजी को फोन लगा और हमें गाड़ी दिलवा दे। दिलवाइए नहीं, दिलवाइए नहीं। कहाँ जा रही हो बहू? तुम्हारे फिर बहुत जीतती थी, बिल्कुल तुम्हारे। मैंने उसे जला दिया उसी रात दुल्हन के जोड़े में, और उसकी यादों को और उसकी चीजों को स्टोर रूम में रख दिया, और लोगों को अगले दिन बोला कि वो भाग गए और सबने मान भी लिया। तो मैं इतना शातिर हूं, मुझे लगा था उस खड़े प्रतीक के साथ तो मेरे से पैसे हट लेगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। हाँ ये छोड़, तेरे मरने के बाद की प्लानिंग तो चल, अब क्या होगा? तू अचानक से गायब हो गया और फिर तेरा ये फोन जो है इसका लोकेशन पुलिस को मिलेगा प्रतीक के घर के बाहर, और फिर ये फोन बंद हो जाएगा। फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा मेरे घर से ना गहने चोरी हो, और मुझे शक है मेरी साली निधि ने चुराए, उसको इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए पैसे चाहिए थे ना 20 लाख। और फिर पुलिस को क्या लगेगा, तू उस प्रतीक के साथ पैसे लेके भाग दे, है ना माँ? माँ इसके लिए जो हमने तोहफा लाया वो लेके आओ ना। प्लीज प्लीज मुझे बाय बाय निधि।
आमिर ध्यान से मेरी बात सुन, मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है तो मैं तेरे को लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उधर से मुझे पिक कर ले, ठीक है? हाँ चल भेजता हूँ। क्या हो गया सर, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, देख क्या हालत होगी मेरी, पूरा पसीना से भीगे हुए हैं आप। गाड़ी किधर है? अबे गाड़ी आगे लगाई मैंने, बाद में उठवा लूंगा, तू पहले मेरे को घर छोड़। अपने लालच और प्रतीक के बहकावे में आकर निधि ने अपनी जान गंवा दी। नितेश ने दो दो कत्ल किए, उसने अपनी पहली पत्नी रेखा को दहेज की मांग पूरी ना होने की वजह से मार डाला। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि नितेश के कुकर्मों में उसकी मां भी उसका साथ दे रही थी। सुधा अपने पति के गुनाहों से पूरी तरह से अनजान थी। क्या सुधा अपनी छोटी बहन निधि और नितेश की पहली पत्नी रेखा के कत्ल का राज जान पाएगी? और क्या प्रतीक नितेश के गुनाहों का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर वो खुद नितेश के जाल में फंस कर रह जाएगा? बस बस इधर आगे रोक दे, बस इधर रोक दे। अरे रोक ला यार, यहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मेरा एक दोस्त रहता है, तो मैं यहाँ से आगे खुद चला जाऊंगा, ठीक है? तू गाड़ी लेके जा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या चाहिए? नहीं मैं फूल देख रहा था, है नहीं। चलो निकलो। सॉरी भाई, सॉरी सर। इसी में रखते थे हम जाने, ताला नहीं लगाते थे इसमें। तो घर में मैं माँ और सुधा ही रहते हैं, तो एक दूसरे के सामने क्या ताला लगा, और हमें थोड़ी पता था कि निधि जो है गहने लेके भाग जाएगी। देखिए हम पता लगाते हैं। निधि की कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन डिटेल दोनों आ चुकी हैं। उससे पता चला है कि वो एक नंबर पे काफी बातचीत करती थी। वो नंबर एक लड़के का है जिसका नाम प्रतीक अवस्थी है। प्रतीक अवस्थी, तुम जानती हो कुछ? नहीं। कहीं कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नहीं सर। निधि का फोन बंद होने से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन प्रतीक का घर थी। एक काम करो, किसी को प्रतीक के घर पे भेजो। सर कांस्टेबल यादव को भेजा था, उसका फोन आया, उनके घर पे ताला लगा हुआ है। कहीं वो उसके साथ भाग तो नहीं गई? लेकिन उसका सारा सामान तो यही पड़ा है। देखिए हम अपनी तरफ से छानबीन करते हैं, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। जी सर। चलो नहीं निधि ऐसा नहीं कर सकती। हम जानते हैं सुधा, निधि जो है बहुत ही शरीफ और संस्कारी लड़की है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर क्या पता उस प्रतीक के बहकावे में आकर उसने सब कुछ कर दिया। देखो तुम प्लीज पहले रोना बंद करो, चुप करो। तुम देखो मेरी बात सुनो, तुम टेंशन मत लो। निधि जैसे आएगी ना घर, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसको माफ कर देंगे, वो सही सलामत घर आ जाए। लेकिन हम उस कमीने प्रतीक को माफ नहीं करें। चुप हो जाओ। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। पुलिस ने भी ये जगह सील कर दी, अब यहां कोई नहीं आएगा। पुलिस भी नहीं आएगी शायद, वो तो तुझे ढूंढ रही है ना। लेकिन अगर पुलिस को तू हाथ में लग गया तो तू उनको सब बता देगा। तुझे पता मैं क्यों लाया? पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जब कोई पागल ना बहुत खतरनाक हो जाता था ना, तो उसकी ये दो आंखों के बीच में ये यहाँ एक वार किया जाता था। बताओ देख कैसे की? हाँ?
निकल गई एक भी सारी। एक और बार और तू जिंदगी भर ना किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहेगी, समझा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? नीतेश घर पर नहीं है और आपको यहाँ आना पड़ा? भाभी जी वो बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आपको कुछ बताना था। बोलिए। सर का बर्ताव कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है, मुझे लगता है उन्होंने आपकी बहन के साथ कुछ कर दिया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, आपकी बहन की जान खतरे में हो सकती है। तुम निकलो यहाँ से, मैं नीतेश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तुम यहाँ मेरे कान भरने आए हो? नहीं भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम निकलो यहाँ से, मैं अभी नीतेश को कॉल करती हूँ। निकलो। ठीक है आप उनको फोन मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। हेलो सर। अरे चलो सर, उस दिन नितेश सर को इधर मैं कुछ फेंकते हुए देखा था और उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। निधि का मोबाइल भी हमें यहीं से मिला था, क्या तुम्हें पता है अब हमें नितेश कहाँ मिलेगा? पता नहीं है सर। यहीं से नितेश सर को मैंने पिक किया था जब उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह यहाँ पे क्या कर रहा था? सर ये बात मैंने भी उनसे पूछी थी पर मेरी बात को टाल गए थे वो। आओ देखते आ गया। राघव इसको देख के लग रहा है कि ये अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, इसे खुदवाओ जल्दी। दोनों बहनों ने जीना हराम करके रखा है हमारा। धक्का धक्की। माँ ये क्या कर रही हो? बेटा इसे रेखा के बारे में सब पता चल गया। ये कुछ दम में ये सब नहीं करना चाहता, ये सब तुम्हारी बहन ने शुरू किया, सच में नहीं करना चाहता मगर अब क्या कर सकते हैं। मुझे ये आपको नया अब देखिए आप मैं समझता हूँ। पुलिस ठीक नितेश घर पर है? नहीं वो तो दफ्तर गया है। नहीं नहीं सर वो दफ्तर में नहीं है। अरे तो कहीं बाहर गया होगा काम से। नितेश घर पर आए तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। हाँ सर। ये आवाज कैसी है? जी पड़ोस में कोई चिल्लाया होगा। मैडम प्लीज वाजन। नहीं अंदर कोई नहीं। मैडम प्लीज साइड हो जाइए। हम सच कह रहे हैं अंदर कोई नहीं। मैडम प्लीज। अच्छा नहीं है ऊपर कोई नहीं, सुनो हमारी बात। नितेश अब
अपनी साली को मारने के बाद आप अपनी बीवी को भी मार रहा है? निधि की लाश हमें एक जगह दफनाई हुई मिली, क्यों मारा उसे? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही। आपको मेरे लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या? पैसे देने हो, मुझे अपना मुंह बंद रखना। उसको मेरे राज के बारे में पता चल गया। कैसा राज? यही कि मेरी पहले शादी हो चुकी। कैसे मारा उसे? ले चलो इसे। लेके चलो इसको। अरे चला क्या? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ो। आमिर की हिम्मत और सूझबूझ ने ना सिर्फ सुधा की जान बचाई बल्कि नितेश और उसकी माँ के गुनाहों का पर्दाफाश किया, जिसके बाद नितेश और उसकी माँ को निधि और रेखा की हत्या के जुर्म में और सुधा की हत्या की साजिश के जुर्म में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में लालच सब पर बुरी तरीके से हावी हो गया था। नितेश ने दहेज के लालच में अपनी पत्नी रेखा का कत्ल कर दिया और पैसों के लालच में आकर प्रतीक और निधि मौत के मुंह में जा गिरे। जब निधि और प्रतीक को नितेश के खूनी अतीत के बारे में पता चला था तो उन्हें तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसा करते तो शायद वो आज जीवित होते और ये दोनों माँ बेटे सलाखों के पीछे होते। आज जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है, लेकिन फिर भी आज नितेश जैसे लोग दहेज पाने की सोच रखते हैं और ना मिलने पर वो किसी भी जुर्म को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर कब खत्म होगा ये दहेज नाम का रोग हमारे समाज से? इसका कोई जवाब नहीं है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।